गोलीकांड में धनबाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को 2 पिस्टल समेत जिंदा गोली और खोखा के साथ किया गिरफ्तार। आपको बता दें, धनबाद के केंदवाड़ी थाना क्षेत्र के खालकाबाद में हुए गोलीबारी मामले का उद्भेदन आज जिले के एसएसपी किशोर कौशल ने कर दिया है। आपको बता दें कि कल देर रात खालकाबाद में 3 युवकों को गोली मारी गई थी, जिसमें से कि एक की मौत हो गई थी। केंदवाड़ी थाना अंतर्गत कल रात्रि में लगभग 9-10 के बीच में 3 व्यक्तियों के ऊपर में गोली चलाई गई, जिसमें और 2 व्यक्ति इलाजरत हैं जिन्हें गंभीर रूप से जो चोटिल हुए हैं। इसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और इसमें कुल मिलाकर 5 अभियुक्त शामिल थे। उन 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और इसमें जो हथियार प्रयुक्त हुए थे उन दोनों हथियारों को और जो मोबाइल फोन्स यूज हुए थे उनको सीज किया गया। कौन कौन लोग थे जिनकी गिरफ्तारी हुई है, कौन कौन लोग हैं? देखिए, जो गिरफ्तारी हुई है वो प्रेस विज्ञप्ति में पहले भी आपको बताया गया है कि इसमें राजा खान, ढीलू मियाँ, मोहम्मद रियाज, गुडनू पासी और मोहम्मद लाडला, ये सारे के सारे लोग हाजरा बस्ती के और झोपड़पट्टी कुसुंडा के। वजह क्या रही सर? वजह जो है वो आपसी रंजिश की बात है। इसके अंदर कुछ दिनों पहले भी इन लोगों के बीच में लड़ाई हुई थी और कुछ वहाँ पर ये लोग कोयला के भी कुछ चोरी वगैरह में संलिप्त थे, साइकिल वगैरह के माध्यम से, उसको लेकर के भी इन लोगों के बीच में झगड़ा पहले भी हुआ था। हालांकि साथ इन लोगों का खाना पीना भी साथ बैठ करके था। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है राजा खान, वही इन लोगों को साथ में लेकर के आया और ये लोग साथ में खा पी रहे थे। उसके बाद उसके द्वारा फ़ोन करके अपने बाकी साथियों को बुलाया गया और उसके बाद जो है उसकी फायरिंग की घटना अंजाम दिया गया। रवि के जो परिजन थे उनका कहना था कि कुछ दिन पहले उनको धमकी भी दिया गया था, तो वो उसकी बात में कितनी सच्चाई है ये अनुसंधान का विषय है कि और क्या उसमें आता है क्या नहीं आता है। लेकिन जो एक इंजर्ड व्यक्ति जो अभी सर्वाइव किया है, जिन्होंने जो अभी सर्वाइव कर रहे हैं, जिनका इलाजरत हैं, जो उनके बयान में जो बात आई है उसमें साफ तौर पर इन लोगों का नाम आया है और इन लोगों की जब गिरफ्तारी की गई और पूछताछ की गई तो भी इन लोगों ने अपने अपराध को स्वीकार किया है और साथ ही साथ जो हथियार इसमें प्रयुक्त हुआ था, जैसे मैंने बताया कि वो पूरा का पूरा बरामद हुआ है। पूरे मामले में सर कहीं भी ये प्रेम प्रसंग आ रहा है क्या कहीं पर? अभी तक कुछ इस प्रकार का स्पष्ट तौर पर वो चीज़ नहीं आई है, बट कुछ बिंदु इस प्रकार के हैं जिसमें और अनुसंधान की आवश्यकता है, तो उन बिंदुओं का भी ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टिगेशन किया जाए। ठीक है।